में दो डाकुओं ने गैर मुल्की सयाह को लूट लिया। मुलजिमान ने सयाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। पर है लाहौर से, जहां पर थाना शुमाली छावनी के इलाके में जर्मन सयाह के साथ डकैती हुई। मुलजिमान 27 साला जर्मन सयाह। डाकुओं ने जर्मन सयाह पर तशद्दुद भी किया है। कच्चे में डाकू जो हैं वो लोगों की जान ले रहे हैं और पक्के में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। न जाने से किसकी नजर लग गई है, यहाँ जराइम के अंधेरों ने डेरे डाल लिए। जान महफूज नहीं है, माल भी महफूज नहीं है। लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के, या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे, वहां पर लोग आए। फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था। क्या किया जाए, ये जो इंतहाई पुरतशद्दुद रवैया है, इसके पीछे क्या सोच है, क्यों इसके को टैकल नहीं कर पा रहे अभी तक, हम इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ा अफसोस हमें होता है कि हमें हर आए रोज, हर कुछ अरसे बाद इस तरह की खबरें रिपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, उन पर बात भी करनी पड़ती है और फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। मैं शर्मिंदा हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कैसे इसको दुनिया के सामने जो है हम पेश करें कि ये इन्होंने इस्लाम के चेहरे को मसख किया है। देखें, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। यहाँ ये है जो हमारी टूरिज्म प्रमोट हो रही है, ये तो शुक्र करें कि ये TLP या कोई TTP या कोई ये पी वो पी वो पी के हत्ते नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया, वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एबीगन। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान के अंदर फिर से एक ऐसी घटना हो गई है जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है, और उसकी वजह है कि जिस तरह से इन दिनों खासतौर से जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बदनाम हो रहा है, क्योंकि कई पाकिस्तानी विदेशों में जाकर के दूसरे देशों के अंदर कई सारे इलीगल यानी गैर कानूनी कामों में शामिल होते पाए गए, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जिसकी वजह से इन देशों के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ एक मूवमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ तक कि इन पाकिस्तानियों से अरब देश भी, जो इनका मुस्लिम ब्रदर देश हैं, वो भी परेशान हैं। यानी पाकिस्तानी जो बाहर जाकर के उपद्रव मचा रहे हैं, उससे तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हो ही रहा है, लेकिन अभी जो खबर आई है, खुद पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानियों ने एक जर्मन नागरिक टूरिस्ट के साथ जो किया, जो कि इस समय पाकिस्तानी मीडिया के TV चैनलों पे खबर छाई हुई है, और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे डिस्कशन कर रही है कि आखिर पाकिस्तानी ऐसे क्यों हैं और ऐसे काम करते क्यों हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान देश का नाम खराब हो रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें, और उसके लिए नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जर्मनी के एक टूरिस्ट जो हैं, जिनकी उम्र 27 इयर्स है, उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान जाते हैं। अब इन यूरोपियंस के साथ क्या होता है, आप लोग जानते हैं, कभी ये पैदल निकल जाते हैं, कभी ये ट्रेन पे निकल जाते हैं, कभी ये साइकिल पे निकल जाते हैं। तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊंगा लेकिन साइकिल पे जाऊंगा। ना जाने कब के निकले हुए थे ये, तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि कब के निकले पाकिस्तान पहुंचे। जी हाँ, ये साहब जो रो रहे बैठ के, ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुंचे लाहौर, जी हाँ, वो भी साइकिल पर, जी हाँ, और उसके बाद वहां पे कैंप लगा कर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों के मतलब ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है सोने का। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, वो सारा सामान लेकर और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे या आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल डाकू बताया जा रहा है, अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे, इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, TV चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के, या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे, वहां पर लोग आए और इस तरह से उनका सामान लूट लिया गया। लेकिन जो बेचारा यूरोप से आया हो और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हो, उनको वो तो कोई अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएंगे, उनको तो यही लगेगा कि यार अजीब लोग हैं, मतलब हद होती है कोई। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। आप लोगों को कोई शर्म आनी चाहिए, जो लोकल हैं उन्हें तो लूट ही रहे हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स आए हैं, जो बेचारा किसी और देश का हमारे हमारे देश में आ गया, या किसी और कंट्री का हमारी कंट्री में घूमने आ गया गलती से बेचारा, तो उस बेचारे को तो छोड़ दीजिए, हमें तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें तो उसे कहना चाहिए था कि भाई तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, आओ हमारा घर हाजिर है, आप आइए, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारे देश में आए हैं, आप हमारी कंट्री में आए हैं, हमारे मुल्क में आए हैं,
आप हमारे मेहमान हैं, वो बेचारा कोई अच्छा इंप्रेशन लेके जाते, आगे जाके 10 लोगों को बताते कि जी मैं पाकिस्तान गया था साइकिल से और उसके बाद वहां पे उन लोगों ने मेरी इतनी खातिर की, मेरे इतना ख्याल रखा, 10 लोगों को और कहते कि जी वो भी पाकिस्तान आए। हाँ, ये है जो हमारी टूरिज्म प्रमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये TLP या कोई TTP या कोई ये पी वो पी वो पी के हत्ते नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया, वरना तो आपको पता है ये क्या पता कलमा ही पढ़ा देते। मगर खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन भारत बड़े अफसोस की बात है और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है और अब बताया यही जा रहा है कि जी ये पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हमारी पुलिस आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, जी हाँ बिल्कुल, तो सामान मिलने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जरूर है, हो सकता है इस तरह की जो न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर भी है, टीवी चैनल वाले भी इत्तेफाक से दिखा रहे हो ना, टीवी चैनल भी अक्सर ऐसी खबरों को पी जाते हैं, मगर ये कि इस बार टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है शहबाज शरीफ साहब उठेंगे और शहबाज शरीफ साहब कह देंगे कि जी ऐसा है कि हम जो है इनको इनका जो सामान खो गया है या जो सॉरी खो नहीं गया, चोरी हो गया है, लूट लिया गया है, वो पैसा जो है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको दे दे, उनका मोबाइल भी मिल जाए इनको और इनका कैश भी मिल जाए। लेकिन वो जो मेंटल टॉर्चर उनको हुआ, वो जो बेचारे इतना परेशान हुए और मेंटल टॉर्चर से गुजरे कि इस तरह से लोग आए और वो कैंप लगा के सो रहे थे, अपना जैसे एंजॉय कर रहे थे कि चले मैं साइकिल से यहाँ तक पहुंच गया हूँ। और लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, अफसोसनाक दो वजूहात की बना पर, लेकिन पहले मैं आपको वाकया बता दूं, वो ये कि एक जर्मन साइकिलिस्ट एज अ टूरिस्ट वो पाकिस्तान में था और यहाँ से जो सुनने में आया, जो रिपोर्ट हुआ, इरादा उसका था कि मतलब ऑन ए साइकिल वो अपनी बाइसिकल पर वो इंडिया की तरफ भी आगे जाएगा। दो चीज़ें होती ना उससे, एक तो इस तरह के लोगों को देख के अच्छा ये प्रमोट भी होता है ओवरऑल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान का नाम बेहतर होता है और पाकिस्तान बड़ी बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसे देखने फिर मजीद लोग आते हैं, जिसके लिए हम बड़ी कोशिश और मेहनत करते हैं कि यार यहाँ पर टूरिज्म किसी तरह से डेवलप हो। तो उस साइकिलिस्ट के साथ ये हुआ कि वो सुनने में आया कि कहीं पर एक अवामी पार्क में वो अपना खैमा नस्ब किए सो रहा था, तो दो डाकू आए वहाँ पे और उन्होंने आके उसका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, एयरबड्स भी ले लिए, कुछ नकदी वगैरह थी, वो लूट के खैर वो ले गए। अब उससे एक तो पाकिस्तान की बदनामी हुई। ब्रिगेडियर हरी, स्ट्रीट क्राइम जो है ये अभी तक बेकाबू, इसका जिन है अभी तक ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बल्कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, आपको उसकी वजह क्या समझ आती है? एक तो महंगाई है, जारी बात है। देखें फिजा, एक तो मेन इशू ये है सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जॉब्स नहीं है, जवान लड़के हैं, घर में 100 liabilities हैं, पेरेंट बीमार हैं, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई की तालीम है, पैसा नहीं है, ग्रेजुएट है, वो तो वो क्या करेगा। लेकिन जब आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, मेरिट का ख्याल ना करें, अच्छे लोगों को ना लगाएं, तो कई दफा प्रॉब्लम होती है। लाहौर में शुमाली छावनी की हदूद में गैर मुल्की सयाह से डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।